हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सिंडिया के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बताऊंगा कि जो कि बिहार राज्य में जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसकी 2021 की नई वोटर लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में आप अपना नाम आपका आया है नहीं, इस लिस्ट में आप अपना नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें देख पाएंगे कि आपका नाम जो कि वोटर लिस्ट में जो कि आपके किस वार्ड में आपका नाम चला गया है, वो भी इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपके जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी की डिटेल आप इसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और आपने जो कि गली मोहल्ले में कितने वार्ड में कितने वोट हैं, सभी आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और सारी डिटेल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखिए। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में अपना ब्राउजर ओपन करना है। जिस ब्राउजर का उपयोग करते हैं आप, उसमें आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल पर डालना है और टाइप करना है CEO बिहार आपको टाइप करना है और आपको एंटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इलेक्शन कमीशन बिहार पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जबकि बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मेन वेबसाइट है जो सामने आपके सामने आ जाएगी। इसमें जो कि आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको नीचे जाएंगे, यहाँ पे पंचायत वोटर लिस्ट 2021, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके राज्य निर्वाचन आयोग बिहार की जो कि एक और दूसरा पेज खुल जाएगा, इसमें आपको आना है। यहाँ पे आपका जिले का नाम, कौन सा आपका जिला लगता है वो जिला आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जिले का, तो आपको अपना वाला जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान करना है, नीचे से आना है जिला जो भी लगता है, जैसे कटिहार लगता है तो कटिहार आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रखंड या उसे ब्लॉक के नाम से जानते हैं, तो आपका ब्लॉक कौन सा लगता है इस ब्लॉक को अभी आपको इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने कोढ़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आता है पंचायत का नाम, जो कि आपका पंचायत है, वो पंचायत भी आप इसमें देख लीजिए कौन सा आपका पंचायत लगता है। जैसे मैंने देख लिया मधुरा, मधुरा पंचायत लगता है तो मधुरा आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है आपका वार्ड का नंबर, वार्ड नंबर कौन सा है, वार्ड नंबर जो भी लगता है, जो कि आप अभी जो चेंज होकर आया है वो तो मान लीजिए 5 आता है तो 5 भी आप वार्ड नंबर देख लेंगे। उसके बाद मदर रोल से निकालना चाहते हैं, स्लिप रोल से निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए मदर रोल से ही निकालना चाहते हैं तो मदर या स्लिप रोल से निकालना, स्लिप रोल से भी निकाल सकते हैं। तो मैं मदर रोल पर क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ पूरा डाउनलोड होने लग जाएगा। उसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी पंचायत का, जो कि आपका बिहार 2021 का है, जो कि वार्ड संख्या आपने सेलेक्ट किया था 2021 का है, जो कि 1/1/2021 को अपडेट किया गया है। अंतिम प्रकाशन जो किया था 19/2021 को किया गया था। ये सारी डिटेल आ जाती है आपके सामने, जो कि क्षेत्र की है पूरी आपके सामने यहाँ जाएगी। अभ्यारी संख्या 1 से लेके अंतिम संख्या 554 तक पूरे हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं और कितने सारे पुरुष सदस्य हैं, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं गृह संख्या से भी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे गृह संख्या 1 है यहाँ पे 80 है, या आप अपना मिला लीजिए आपका पूरे लिस्ट में आपका जो कि गृह घर का है नंबर, इस तरह से आप पूरा इसमें निकाल सकते हैं। आपका जो कि पूरी PDF आपके सामने आ गई है, तो इस तरह से आप अपने पूरी सभी का निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो कि बिहार के जो कि पंचायत चुनाव है उसमें वोटर लिस्ट में आप अपना नाम किस प्रकार से सकते हैं। इसमें पूरी आपको अगर इसमें आपको कोई अगर समस्या आ रही है तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो के बारे में सजेशन दे सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको उसके जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।